नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन के एग्जिट पोल कैसे आए हैं और इस पे मार्केट का क्या इफेक्ट होगा। मंडे को क्या मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दिखाएगा या गैप अप दिखाएगा, क्योंकि इलेक्शन पोल में बहुत सी चीज़ें ऐसी आई हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट जा रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट में एक गिरावट आ सकती है और दूसरा डाउ जोन्स भी काफ़ी तेज़ी से गिरा है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जिट पोल में क्या पोल्स आए हैं और डाउ जोन्स के नेगेटिव क्लोजिंग से क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे मार्केट पर। दोस्तों, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि वेबिनार रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुके हैं आज से और 20 तारीख तक रहेंगे। तो जो भी लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट 50 रजिस्ट्रेशन को मिलेंगे यहाँ पे एक स्पेशल एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, जिस उन लोगों को ये स्पेशल वीडियो मिलेगा जो कि बताएगा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग कैसे करी जाती है और मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी यानी वेल्थ स्काई की स्ट्रेटेजी शेयर करी जाएगी। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वेबिनार को अटेंड करने के लिए, नॉमिनल सी फीस है 999, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और टर्म्स एंड कंडीशन देख लीजिए और टॉपिक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए डिस्क्रिप्शन में आपको पता चल जाएगा और सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। तो फाइनली दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले हम जो सीटों के जो रुझान आए हैं, यहाँ पे जो एग्जिट पोल आए हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे और क्लियरली हम डिफ्रेंशिएट देखेंगे बीजेपी और कांग्रेस का। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि राजस्थान में 200 सीट्स का चुनाव था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे जैसे कि ये यहाँ पे आपको 6 एनालिसिस मिल रही हैं, आपको सी वोटर की एनालिसिस मिल रही है, इंडिया टुडे की मिल रही है, एबीपी टुडे, चाणक्य, टाइम्स नाउ। तो इन सब में क्या चीज़ हो रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस लीड करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि बीजेपी को मार्केट ज़्यादा सपोर्ट करता है एज कम्पेयर टू कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी थोड़ा सा कह सकते हैं कि काम करने में थोड़ा सा आगे रहता है, नई नई जो कह सकते हैं कंपनियों के लिए लोग जो पॉलिसीज होती हैं ये सारी चीज़ें करने में आगे रहता है, बट कांग्रेस उस चीज़ में नहीं होता। तो इसलिए थोड़ा सा एक नेगेटिव है हमारे मार्केट के लिए कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, ऐसा यहाँ पे एग्जिट पोल में है। बाकी फाइनल आउटकम तो काउंटिंग के डे पे आएगा, बट इसकी वजह से भी मार्केट में रिएक्शन आएगा। तो एक ये नेगेटिव पॉइंट हमें दिख रहा है जो कि राजस्थान की वजह से दिख रहा है कि राजस्थान में जो बीजेपी है वो नहीं जीत रही है, ठीक है। दूसरा हम एमपी ले लेते हैं, एमपी में क्या कंडीशन है। देखिए एमपी में कह सकते हैं थोड़ी सी टक्कर की है कि यहाँ पे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, अगर डिफरेंस देखा जाए तो कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, जैसे कि बीजेपी 98 और कांग्रेस 108। बट यहाँ पे भी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ देखिए टाइम्स नाउ ने 126 सीटें बीजेपी को दी हैं, कांग्रेस को 89, यानी एक पोल ऐसा है जिसने 126 दिए हैं, बाकी ज्यादातर पोल में यहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार बन रही है। एमपी के अंदर 230 सीट पे यहाँ पे चुनाव हुए थे, तो यहाँ पे ये वोटिंग हो चुकी है और यहाँ पे भी कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी सेम रुझान है कि यहाँ पे भी कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो कह सकते हैं तीन इंपॉर्टेंट स्टेट्स में कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक बड़ा डेंट लग सकता है बीजेपी के 2019 के जो इलेक्शन होने हैं यहाँ पे, वो इलेक्शन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, इम्पेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, तो वहां पे बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। और ये सेल ऑफ जो मार्केट में चल रहा है ये कंटिन्यूअसली एक्सटेंड हो सकता है अगर ऐसा हो गया, ठीक है। तीन जगह आपने देख लिया, अब हम तेलंगाना की बात कर लेते हैं कि तेलंगाना में देखेंगे तो बीजेपी, देखिए यहाँ पे भी कांग्रेस और टीआरएस इन दोनों में सबसे बड़ी जंग चल रही है, बीजेपी यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं जीत रही है। तो ये कह सकते हैं ये भी स्टेट यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी के हाथ से। और सेम चीज मिजोरम है, मिजोरम में तो बीजेपी का नाम ही नहीं है। तो कह सकते हैं कि जो मेन तीन स्टेट थे कि यहाँ पे जो क्लियरली यहाँ पे जो राजस्थान था, राजस्थान में उनकी सरकार नहीं बन रही है, एमपी में इनकी सरकार नहीं बन रही है और छत्तीसगढ़ में भी नहीं बन रही है। अब ऐसा तो सिर्फ एग्जिट पोल बता रहे हैं, ऐसा ये कंफर्म नहीं हुआ है कि अभी इनकी सरकार बनी ही नहीं है। अगर मंडे को यहाँ पे जो आएगा वो नेगेटिव रिएक्शन आता हुआ दिखाई देगा आपको इस एग्जिट पोल की वजह से, तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। तो वॉलेटिलिटी बढ़ने से क्या होगा, आपको लॉस होने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करिएगा, ऐसा नहीं करिएगा कि आपने स्टॉप लॉस कुछ डाला और ट्रेड करने लगे। एक तो ये नेगेटिव चीज हो गई हमारे लिए मंडे के लिए। दूसरी चीज अगर मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पे डाउ जोन्स की मैं बात करूं तो
आप देख सकते हैं जो डाउ जोन्स की क्लोजिंग आई है वो आई है 5.8 पॉइंट नेगेटिव, यानी ऑलमोस्ट 2.24% यहाँ पे डाउ जोन्स गिर के बंद हुआ है। तो ये भी एक बहुत ज्यादा नेगेटिव फैक्टर है हमारे मार्केट के लिए, क्योंकि अगर डाउ जोन्स इतनी तेजी से गिर रहा है तो कुछ ना कुछ ग्लोबल मंदी, ग्लोबल स्लोडाउन जैसी बातें मार्केट में उछल रही हैं, जिसकी वजह से लोग काफी पैनिक कर जाते हैं और वो भी अपना माल बेचना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू खरीदना। तो कह सकते हैं अगर ये नेगेटिविटी अगर मार्केट में और स्प्रेड हुई और फैली तो हमारे मार्केट के लिए नेगेटिव है, प्लस ग्लोबली भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से एक सेल ऑफ कंटिन्यूसली होता हुआ दिखाई देगा आपको। तो इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अभी जो हमारा मार्केट है वो नेगेटिव फेज में है, और हर उछाल पे बिकवाली की यहाँ पे सलाह रहेगी कि अगर आपको मार्केट 10,900 10,800 तक मिलता है तो आप उसमें शॉर्ट बना के बैठिए निफ्टी में, आपको आगे आने वाले दिनों में निफ्टी 9,800 तक जाता हुआ दिखाई देगा। ये मेरा निफ्टी का टारगेट है इलेक्शन से पहले का, जो कि मई में इलेक्शन होंगे उससे पहले का। तो नजर रखिएगा निफ्टी पे, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है हायर लेवल पे आपको शॉर्ट बनाने की तो डेफिनेटली मनाइएगा, और इस एग्जिट पोल का जो नॉर्मली जो इफेक्ट पड़ने वाला है वो शायद मार्केट पे नेगेटिव ही पड़ने वाला है। तो देखते हैं मंडे को क्या होता है, फाइनल चीज मंडे को ही पता चलेगी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।